नया सुपर कर्नल चावल आपको सिर्फ और सिर्फ 124 रुपए किलो यहाँ से मिलेगा। चावल का साइज चेक करें, क्वालिटी चेक करें, A1 चावल है, खुशबूदार चावल है। ये स्टीम का इनाम है स्पेशली कि देगे बनाए, बिरयानी, पुलाव, जरदा, ये स्पेशल में आता है। एक्सपोर्ट का चावल है ये। नए का रेट है 4,500 रुपया 50 kg का, 90 रुपए किलो, और जो पुराना स्पेशल में है वो 4,850। हाँ जी, वो स्थान में केजी कितने का पर केजी? 197, 190। 11-21 टीम कायनात VIP चीज आपको दिखाई जा रही है। सर क्या रेट है इसका? लंबा दाना है इसका, इसका फाइनली जो है ना वो 150 रुपए लग जाएगा। ये होलसेल रेट है? होलसेल रेट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में नाज़रीन मैं मौजूद हूँ लाहौर मोड़ समनाबाद के करीब राइस की सुपर होलसेल मार्केट में। इस मार्केट में आपको राइस की डिफरेंट वराइटीज दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको मिलेंगी होलसेल रेट पर। तो आज की वीडियो में राइस के रेट जानेंगे कि इस मार्केट में किस रेट पर चावल सेल किया जाता है। तो आइए मेरे साथ। अल मुख्तार राइस स्टोर के ओनर यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, शॉप के ओनर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई आप सुनाए? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा माशाल्लाह नया चावल भी आ चुका है जी, बिल्कुल। तो उस हवाले से बताएं कि आपके पास राइस में कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं? राइस में ब्रांड भी है हमारे पास, तो जो हमारा रेगुलर चलता है जराफा, नारवाल, कायनात ब्रांड है, कायनात, उसके बाद ब्रांड्स का, हर ब्रांड्स का चावल मौजूद है हमारे पास। हर ब्रांड का चावल मौजूद है जी अल्हम्दुलिल्लाह। नए चावल में आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज वराइटीज अवेलेबल है? ये कायनात, कायनात और सुपर कर्नल, ये दो ही होती हैं। रोजाना है, जराफा है, निराला है, जाफरानी है, आरजू है, ब्लैक हॉर्स है, काफ़ी ब्रांड्स हैं। काफ़ी ब्रांड्स हैं? हाँ। और ये होलसेल रेट पर मिलेंगे जी? होलसेल में इंशाल्लाह। ठीक है जी, और मुझे लोकेशन बता दें, आपकी शॉप की लोकेशन क्या है? ये LOS रोड है, ये मेन रोड जो है, और समनाबाद मोड़ के बिल्कुल पास है, हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, नए चावलों में आप कौन सा चावल सबसे पहले दिखाना पसंद करेंगे? ये जराफा नारवाल का चावल है, बेहतरीन क्वालिटी का चावल है, ये रेगुलर में आता है, तो खुशबूदार है, लंबे दाने हैं, और वैसे भी इसकी गारंटी हम देते हैं पूरे साल में, कोई मसला हो हम कहते हैं जी खुला थला वापस है, लेकिन इस तरह का मसला नहीं होता क्योंकि चावल बेहतरीन क्वालिटी है इंशाल्लाह। क्या नाम है इस चावल का? ये सुपर कर्नल जराफा नारवाल। नारवाल का चावल है, सुपर कर्नल इसका नाम है। रिटेल में तो 135 रुपये रेट है इसका, लेकिन आपको 124 रुपये मिलेगा। 124 होलसेल रेट है? होलसेल रेट है। ज़बरदस्त। और इसमें पैकिंग बताएं, पैकिंग कितने केजी की होती है? 25 kg की भी है, 50 की भी है, दोनों में है। कायनात का चावल है, नया चावल है, नया चावल है, खुशबू वाला है, लंबा दाना है, जायके वाला चावल है ये भी। ज़बरदस्त। ये आप साइज इसका चेक करें और क्वालिटी भी मुझे बेहतरीन किस्म की लग रही है। इसमें पैकिंग कितने केजी की है? दोनों में है, 25 ले लें, 50 ले लें। 25-50? हाँ ठीक है। और रिटेल का क्या रेट चल रहा है आजकल? इसका रेट अभी जो मौजूदा है वो भी 135 ही है। 135 है? मेरा ख्याल इससे भी ऊपर है, लेकिन 135 है, ये आपको 126 रुपये लग जाएगा। अच्छा ये चावल जो है ना ये स्पेशल में है, कायनात लंबा दाना है, पुराना चावल है, ठीक है जी। अभी जो मौजूदा है इसका रेट है ना वो तो मेरा ख्याल 145 रुपये है पीछे, लेकिन ये 140 में आपको मिलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा चावल है, भगो के पका लें, बस सफाई नहीं करना पड़ेगी, इस तरह ही बस साफ सुथरा। स्टीम किया हुआ है? नहीं, ये नॉर्मल है, स्टीम ही, स्टीम में नहीं है। ये कौन सा चावल है? ये स्टीम कायनात में है स्पेशली, खुशबूदार और लंबा दाना है ये के लिए बेहतरीन, पकाई के लिए टॉप पे है, इसकी देगे बनाएं, बिरयानी, पुलाव, जरदा, स्पेशल में ये बनता है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, इसका साइज चेक करें आप, ये देखें दाना, साइज लंबा दाना जी, 9 mm पकाई है इसकी, इतना अच्छा चावल है ये। क्या रेट चल रहा है इसका? इसका रेट 145 मिलेगा, इस वक्त तो रेट बहुत ज़्यादा हैवी है, 145 में मिलेगा ये। 145 रुपए पर केजी स्टीम कायनात में? हाँ जी, सेले में ये स्पेशल है कायनात, इरफान भाई स्पेशल में है, लंबा दाना है, कायनात में बेहतरीन क्वालिटी का चावल है ये। तो ये देखें ना इसकी लेंथ चेक करें आप, लंबे दाने हैं। ठीक है, स्पेशल बनाया जा सकता है, बिरयानी, जरदा, बिरयानी, पुलाव, ये शादी हॉल्स में बनता है स्पेशली। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पकाई के लिए बेहतरीन है? पकाई के लिए बहुत बहुत टॉप है ये। ज़बरदस्त। इसकी बिरयानी बना सकते हैं, जो हजरात बिरयानी का कारोबार करते हैं उनके लिए बेस्ट चावल है ये, स्पेशल में आता है, एक्सपोर्ट का चावल है ये दर्जा अव्वल का चावल है। ठीक है, खुशबूदार, अच्छी क्वालिटी, हाँ, जायके वाला, लंबा दाना है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा चावल पड़ा हुआ है?
अच्छा ये भी स्टीम में है? ये भी स्टीम में। हाँ जी जबरदस्त पकाई है, बहुत आला बेहतरीन क्वालिटी है, लंबे दाने हैं, ये भी अच्छा चावल है। ठीक है ना, जो मैंने सबसे पहले आपको स्टीम का बताया ना चावल, वो भी टॉप पे है चावल। 25 किलो की पैकिंग में आपको जराफा ब्रांड और पंजाब का जराफा मार्का ब्रांड भी यहाँ पर मिल जाएगा, इसके साथ ही कायनात पड़ा हुआ है। सर पंजाब का जो जराफा ब्रांड है इसके बारे में बताएं, आपके पास ये किस क्वालिटी में पड़ा हुआ है और क्या इसका रेट चल रहा है इस वक्त? ये स्पेशल में है, डबल पॉलिश चावल है ये, गला मंडी पंजाब एक्सपोर्ट क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, खुशबूदार है, अनमोल तोहफा, खुश जायका, बड़ा अच्छा चावल है ये। तो इसका जो रेट है ना अभी तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन ये आपको मिलेगा 7,100 का 50 kg का थैला, पौना चावल, हल्का सा कोना इसका जो है ना वो टूटा होता है, साबित ही होता है एकदम। और ये सबसे ज़्यादा चलता है चावल, ये नया पुराना? ये पुराना है, पुराना भी है नया भी है। नए का रेट है 4,500 रुपया 50 kg का, 90 रुपये किलो, और जो पुराना स्पेशल में है वो 4,850, उसका भी बड़ा मुनासिब रेट बता रहे हैं। 4,850? हाँ जी, वो स्थान में कितने का पर kg? 197, 190। 11-21 स्टीम कायनात VIP चीज़ आपको दिखाई जा रही है, सर क्या रेट है इसका? लंबा दाना है इसका, इसका फाइनली जो है ना वो 150 रुपये लग जाएगा। ये होलसेल रेट है? होलसेल रेट है। ज़बरदस्त जी, 150 पर kg। इसमें पैकिंग कितने kg की है? दोनों में है, 25 में ले लें, 50 में ले लें, दोनों में जितना मर्जी ले लें, लेकिन जो असल पहचान है नए चावल में, सबसे पहले उसकी खुशबू आएगी, खुशबू आएगी, उसके बाद दाने जो हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। हाँ, इशू नहीं होता कि कोई दाना टूटा हुआ है बीच में, उसका इशू नहीं है, ये होता है कि इसमें कोई गैर दाना ना हो, बस मिलावट ना हो, मिलावट ना हो। लेकिन आम बंदे को वैसे पता नहीं चलता, वो दुकानदार के भरोसे पे लेता है चावल, लेकिन दुकानदार को चाहिए कि बेहतर चीज़ दे उसको, उसको पता होता है, दुकानदार को तो पता होता है। और पकाई की कुछ टेक्निक बताएं, चावल को किस तरीके से पकाना है? नया जो चावल है ना इस वक्त जो अभी आया है, इसको आपने आधा घंटा पहले भगोना है पकाने से पहले, और घड़ी के टाइम पर ना इसको 6 मिनट उबालना है, 6 मिनट उबालेंगे ना तो दाना जो है ना वो कच्चा पक्का हो जाता है, चेक कर लें आप कच्चा पक्का हाथ से, तो जब उसको देखेंगे कच्चा पक्का हो गया, निचोड़ें उसको, पानी निकाल दें तो दम लगाएं, 5 मिनट दाना खिल जाएगा, बेहतरीन पक जाता है। नए चावल में सिर्फ पानी का इशू होता है, बाकी चावल अच्छा ही होता है। अक्सर जो कस्टमर हैं वो पकाते हैं पुराने तरीके से, लेकिन पुराने का तरीका अलग है, नए का अलग है, नए के तरीके से पकाएं तो कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो आप दालों की तरफ चलें। चलो, दालों में आपके पास कौन कौन सी दालें दस्तयाब हैं? सारी पड़ी हुई हैं, वो सारी पड़ी हुई हैं दालें, सारी तकरीबन पड़ी हुई हैं, टोटली दालें हैं, जो कोई मांगे मिल जाएगी इंशाल्लाह, पाव, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी किसी को चाहिए वो मिलेगी इंशाल्लाह। दालों में सारी अकसाम है? सारी अकसाम है, और खसूसन जो सबसे बड़ी बात है वो लिस्ट के हिसाब से मिलेगी, गवर्नमेंट का जो रेट होगा ना उससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं इंशाल्लाह होगा, उसे नीचे नीचे उसे ही अगर नीचे कोई हमें मुनासिब मिलता है ना तो हम नीचे कर देंगे, लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे। इन चावलों को खरीदना चाहता है तो क्या तरीकाकार है उसका? तरीकाकार उसका यही है कि अगर आउट ऑफ सिटी मतलब कि फ़ोन आते हैं लोगों में, कुछ लोग कहते हैं जी आप हमें चावल पहुँचाएँ फिर हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो जारी बात है इरफान भाई हम तो सारी दुनिया के सामने बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है बिल्कुल, कोई ऐसा कोई हम फ्राड या कोई जेन में नहीं है, 15 साल पुरानी दुकान, माशाल्लाह बहुत पुरानी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो 1 रुपया भी हराम समझते हैं इस तरह का, ठीक है ना। मसला ये है कि वहाँ पे यहाँ पे जो शेड्यूल हमारा तरीकाकार है ना वो है कि सबसे पहले पेमेंट ओके हो जाए उसी वक्त हम इधर से बिल्टी करवा के चावल ओके कर देंगे। इन चावलों को अगर कोई पूरे पाकिस्तान में ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है, उसका तरीकाकार ये है कि आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी, देन जो यासिन भाई हैं वो आपको बिल्टी लगवा देंगे, बिल्टी लगवाने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर बिल्टी पहुंच जाएगी, या आजकल तो 1 दिन के अंदर अंदर भी पहुंच जाती है बिल्टी, नो इशू। तो पूरे पाकिस्तान में आप ये चावल अपने घर अपनी दहलीज तक ये चावल मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो पर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।